क्योंकि वो इम्पैक्ट सब पे पड़ रहा था तो मेरे पे भी पड़ा कुछ आगे पढ़ने का सोचा है मतलब मैं ये क्वेश्चन पूछ क्यों रहा हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा पर आ, मैं ये सोच आ, रहा हूँ <laughs> <मैं सुकुल> <laughs> साठ साल तक पुष्कर महाराज बांट देखेगा साठ साल तक जेल बांट देखेगी साठ साल तक घोड़ी बांट देखेगी घोड़ी पे बैठेंगे तो प्राउड फील होगा भाई जेल में जाएंगे तो प्राउड फील होगा ये है जाना पड़ता है हमें तो भाई हमारे खुशी होती है मतलब ये होता है कि हाँ भाई ये खुशी है हमारे लिए तो खुशी होती है चलो भाई जेल ओकेजन बन रहा है ये क्या कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है क्या एच आर छब्बीस जो गैंग थी वो टूट चुकी है ऐसा कुछ है भाई देखो मैं आपको एक चीज़ बोलूंगा टूटी ना है तो कहीं ना कहीं खटास आ गई है उन्होंने जो दिमाग लगा के सारी चीज़ें खेली थी ना वो हुई थी बिग बॉस के टाइम पे उससे पहले कोई प्रॉब्लम नहीं थी किसी टाइम में भी मैंने साफ पाड़ा था मैं सच्चाई बात बताऊँ साफ वाली चीज थी ना कि भाई शॉप वो शॉप है एक मछली पूरी पानी की गंदी कर देती ना वो चीज़ थी तो जय श्री राम सभी को शर्मा जी की बैठक के एक नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है भाई आज जो हमारे साथ गेस्ट बैठे हैं ना मैं कह रहा हूँ अंत लेवल की जो एनर्जी होती है ना वो भर के बैठा है भाई मतलब किसी एक बंदे को तुम सामने खड़ा कर दो उसे कच्चा चबा जाएगा ऐसी एनर्जी लेके बैठा हुआ है मैं इसे पिछले दस साल से जान रहा हूँ <laughs> बहुत सारे जान पाया <laughs> बहुत सारे कुकर्म करे हमने

बहुत अच्छा चीज़ चल रही है मजे आ रहे लाइफ के ना चलिए तो बताएंगे सर जी से मेरे को मैं तेरे को जानता हूँ जो ऑडियंस नहीं देख रही है हमें उनको इंट्रोड्यूस कर अपने आप को क्या करता है सब भाई बेसिकली मेरा नाम है अज्जु पुजरेट और मेरा यूट्यूब चैनल जो नाम है वो भी यही अज्जु पुजरेट के नाम से ट्रैवल ब्लॉग्स बनाता हूँ फिर उसके बाद धीरे धीरे हम आ गए हैं डेली लाइफ में तो जो बनता है वो बनाते जाते हैं ये हम बना रहे हैं आजकल क्योंकि तो रहा ही नहीं है तुम्हारे पास तो भाई पहली चीज तो कॉन्ग्रेचुलेशन पापा बन गया भाई ये जरूरी था बोलना हाँ <laughs> बहुत जरूरी भाई।, भाई मेरा ना पहला क्वेश्चन ही यही से था इसी वजह से मैंने ये चीज बोली अच्छा यार तू डेली लाइफ कंटेंट बना रहा है तो तो टाइम तो तो को लगा <laughs> <laughs> नहीं नहीं अच्छा। <नहीं>, <laughs> तूने ये बताया क्यों नहीं क्या? मतलब पापा बनने की खुशी तूने भाई क्योंकि डेली लाइफ ब्लॉगर ये है ना कि अपनी सारी लाइफ हर तरीके की चीजें दुख सुख सब चीज बताते तो ये तो बहुत खुशी की बात थी ये तूने बताई क्यों नहीं ना तूने अपने दोस्तों में बताई ना सोशल मीडिया में बताई ऐसा हाँ। क्यों भाई नहीं बतानी चाहिए कुछ चीजें प्राइवेट है प्राइवेट रहना चाहिए ना मतलब सारी चीजें थोड़ी ना ओपन करके चलो मतलब फिर भी उसको तो तुझे भी पता तू इसी लाइन में से एक टाइम के बाद ना लोग इसको हथियार बना के यूज करते हैं हम्म पता है ना तुझे तो मैंने इसलिए मैं सारी चीजें प्राइवेट रखना उसकी भी लाइफ है कल को वो कुछ भी करे पता लगा कॉन्टेंट था तू तो ये चीज नहीं कराना चाहता मैं अच्छा हाँ। तो इस वजह से तूने इसको हाँ। प्राइवेट रखा पता तो सबको दिखाना नहीं चाहता था।, <laughs> तो मेर तो मेर था मेरे दोस्त यारी हो यारू देखो जितना भी हमारे बिजी है उस पर आएंगे हम उस पर आएंगे हम किस बंदे ने तेरे को एडवाइस दी यूट्यूब ब्लॉग करने का YouTube पे आने का और कंटेंट uh, बनाने का बेसिकली तारीफ, चाहता। थी, बोल दे भाई की, तारीफ ना। पता नहीं है तो मैं, चाहता ये चीज़ पता चले। मैं और, पूरी स्टार्टिंग से चीज बताता हूँ मैं इससे मिला था विक्की के थ्रू अगर आपने बता मेरे एक दोस्त है जो इसका भी दोस्त है ठीक है उसके थ्रू मैं इससे मिला मैं इसके शूट पे आता था कई बार जैसे ड्रोन था मेरे पास तो वीडियो शूट करते थे गाड़ी वाड़ी की नीड पड़ती थी तो धीरे धीरे करके हमारी दोस्ती बढ़ती चलेगी बढ़ती चलेगी फिर इस टाइम इसने बोला भी था कि तू इतना ज्यादा ट्रैवल भी करता है तो एक काम कर तू वीडियो बनाना स्टार्ट करते मग मेरे समझ से आ रहा है मुझे नहीं पता था उस टाइम यूट्यूब इतना पैसा oh. दे रहा बिकॉज मैंने कभी रिवील भी नहीं किया ah. जब मुझे पता लगा तो मैं इसमें आ गया था बट हाँ इसने मेरे को बोला था कि तू ट्रैवल वीडियोज बना ब्लॉग्स बना ये सारी चीज़ें बना फिर उस टाइम मैंने कि चलो ठीक है फिर मुझे इधर उधर से भी एक दो बोला कि भाई बनाओ मगर चलो हम बनाते हैं फिर थैंक यू सो मच भाई आज तेरे वजह से तेरे साथ बैठो भाई बहुत इन्फ्लुएंस किया भाभी को बोला अच्छा हाँ। भाभी से याद है यार हाँ। मेरे को एक चीज बता हम जो पहले करते थे मतलब मैंने भी सेम ही चीज की है भाई ये नहीं डिस्कस करते ये तो नहीं ना। में ये चीज ढूंढ मतलब मतलब ले ऐसा अभी भी नहीं मिलेगा हाँ वो तो है हम एक्सपर्ट इतने थे भाई जब तू ट्रिप पे जाता था मतलब पिछले पांच साल पिछले सात साल से छ साल से ट्रिप पे जाता था वाइफ को लेके मतलब अब जो वाइफ है लेके ले ले हाँ, ले जाता था और हाइड करके लेके जाता था कि मैं अकेला ट्रिप पे जा रहा हूँ सोलो ट्रिप पे जा रहा हूँ एंड ऑल एंड ऑल मैंने भी सेम चीज है बट मैं इसका जानना चाहूंगा किस तरीके से बचाया और क्या उसके पीछे आंसर दूंगा अगर जादूगर हो आप लोगों को पता लग गया आप जादू ऐसे दिखा रहे हो और ये जादू नहीं है तो आपकी ट्रिक है

पहले अगर आई बना दो और पहले बाद में कुछ प्रॉब्लम हो तो इससे अच्छा है पहले मत बनाओ प्रॉब्लम बाद का जो होगा वो देखा जाएगा बट अभी जैसा चल रहा है चलने दो अच्छा मतलब उस टाइम पे ऐसा था नहीं कि नहीं बताना तू भी तो यही कह रहा था तू आ आ खुद मैं, बता दे तो <laughs> भाई मैं भी ऐसे ही करता था आ, इसमें एक साथ एक ट्रिप पे गए हैं एक्चुअली उस टाइम हमने दोनों मतलब दोनों हाइट थे दोनों हाइट थे और ये ये मैं आप सबको बोलना चाहता हूँ कि आप सब जाके पिछले दो साल से पुरानी जितनी भी सीरीज है जो भी है सब भी तो आप जाओ जाके नहीं पाओगे मिल तो कमेंट करके बताना इसमें पॉडकास्ट में भी बता चीज एक चीज मैं बताऊंगा मैं लद्दाख गया था अच्छा हम एडिट करते शूट में भी करते हैं तो फॉर्चुनर में जैसे हिले

मैं ये तो देखो पॉडकास्ट में अगर झूठ बोलना तो वो बता देना <laughs> नहीं नहीं झूठ नहीं बोला बिल्कुल तो सच झूठ तो नहीं बोला मैं ये बता रहा बट देखो लाइफ में कुछ ज्यादा चेंज नहीं आया भाई हुँ. मैं वैसा ही था पहले भी आज वैसा ही और मैं आज भी वैसा ही मेरी लाइफ में कुछ ऐसा कुछ ज्यादा फर्क नहीं आया है ट्रेंस आई है थोड़ी सी और कुछ फैमिली में कुछ फैमिली में यार बहुत सारे लोग हैं ना जैसा भी नहीं है कि मैं अकेला हूँ भाई हमारे फैमिली में ऑलमोस्ट पंद्रह बीस बंदे है फैमिली नहीं है वो जिला घोषित कर मैं

क्या रोल निभाती है उसके बारे में बताओ भाई फॉर्चुनर की कहानी और फॉर्चूनर के बारे में जो भी है भाई फॉर्चुनर से देख लगाओ तो ऐसा नहीं है कि भाई मेरे को किसी गाड़ी से लगावनी है मतलब मैं बता तो को मेरे पास BMW थी अब मैंने चलाई मेरे मैं घुमाई वो टूटी मेरे से तो घर वालों को मम्मी को पसंद थी फॉर्चुनर कि मम्मी कह रही स्कॉर्पियो ले लो फॉर्चुन ले लो फॉर्चुनर हमने ले ली अब जो गाड़ी मैं चलाता हूँ ना मैं उससे ऐसे हो जाता हूँ बिल्कुल कनेक्ट हो जाता हूँ और मेरे लिए ना सच बता दो मैं आज भी बताता हूँ मेरे लिए सबसे बड़ी मेरी कार अभी भी मैं सच बता रहा हूँ मैं अपने कार से उतना प्यार करता हूँ किसी से नहीं करता उसके ऊपर मैं मार दूंगा मर जाऊंगा दूंग। <laughs> ये वाली चीज़ है कार देख भाई जहां से मैंने स्टार्ट किया था मैं इतना लेके लेकर घूमाऊँ आज तक का रिकॉर्ड है कहीं मेरे को धोखा नहीं दिया कहीं कुछ नहीं गया और मैं वो कहता हूँ गर्लफ्रेंड से कहता हूँ गर्लफ्रेंड नखरे दिखाएगी गाड़ी नखरे नहीं दिखाएगी मैं कंपेयर ऐसे करता हूँ कि आपके इशारों पर चलेगी जहा आप रोकोगे वहां रुक जाएगी जहां आप खड़े करोगे खड़ी रहेगी वो ये भी नहीं बोलेगी कि दस दिन था या दो दिन था तो प्यार करो कार से करो इंसान से ना करो बट कार देखो भाई बहुत प्यार में। और बहुत आ थे। हाँ, मैंने वो वीडियो देखी है और चल, मैं तो हुआ था साथ में हाँ, तो तो साथ उसकी कहानी नारकंडा की वीडियो थी नारकंडा से वापस आते हुए भाई एक बंदे को अपनी लाइफ से मोटिवेशन क्या चाहिए मतलब जो भी वो काम कर रहा है उसमें मोटिवेशन क्या चाहिए या तो उसमें वो एक बार में सक्सेसफुल हो जाए जो ये पहली वीडियो में हो गया तो उससे तेरे को अलग लेवल की मोटिवेशन, मोटिवेशन आई होगी तो और यार। मैंने यार जि, मैं जितना जानता हूँ जैसे अभी हमने बात भी की अलग तो से, से, से तो अलग चुनने का तरीका होता है मैं पहाड़ चुनता हूँ मैं तेरे को अभी भी बताया कि पहाड़ों में जो सुकून मिलता है ना वो कहीं नहीं है अब मैं उल्टा बोलूंगा इसको लोग बोलते हैं बीच पे सुकून है बट hmm. पहाड़ों में जब जाओगे ना बहुत लोगों को पहाड़ पसंद नहीं आता रास नहीं आते ऑक्सीजन hmm. नहीं है भाई आ, हाई एल्टीट्यूड पे सर दर्द हो जाता है तेरे को पता है प्रॉब्लम होती है खाना नहीं मिलता टाइम है स्टे अच्छे नहीं मिलते बट वही तो मजा है एडवेंचर एडवेंचर जहां बैठ के पानी पानी को देखना पानी पानी होगी तो फिर फायदा क्या है <laughs> <laughs> पानी तो पहाड़ पे भी है पानी लोगों को ये लगता है कि पहाड़ों पे पानी नहीं है बट उनको नहीं पता कि जो पहाड़ों का पानी है वही हम पीते हैं समुन्द्र का नहीं पीते हम सही बोले <laughs> दीप, कर रहे हैं यार बोला सारी सीरियस बात करें तो मैं सीरियस ही बोल रहा हूँ ठीक है बट हाँ रेगिस्तान से रेगिस्तान भी अच्छा लगता है मेरे को तीसरे नंबर पे ऐसा लगता है समुंदर मेरे को अच्छे लगते हैं बट मैं ऐसा ना कभी समुद्र के किनारे बैठ के ऐसे पूरी रात नहीं काट सकता बिकॉज उसमें आवाज आती है और मेरे को आवाज़ पसंद नहीं पानी सुकून चाहिए तो पहाड़ों पर जाओ यस मैं क्वेश्चन पूछने वाला था बट मुझे लगता है उसका जवाब तूने थोड़ी देर पहले ही दे दिया दोबारा तेरे लाइफ में पहला प्यार कार है कौन है कार है भाई मैं वही बोल रहा हूं। उसने पहले ही दे दिया कार के अलावा दूसरा प्यार यार दूसरा मैं खुद से प्यार करता हूं सेल्फ ऑफसेस्ट बंदा ऑफ कोर्स अगर अपने नहीं रोगे तो दूसरा कैसे होगा ओए हां ये भी है जो इंसान अपना ही नहीं हो पाए वो दूसरा का क्या ही होगा ब्रो चलो ये भी अच्छी चीज है भाई मैंने ना गुजर में एकता बहुत देखी है है भाई क्यों है इसका एक कारण मेरे को बताएगा मतलब एक नहीं दो जो तेरे मन में है। यार देख एकता सब में होती है डिपेंड करता है बंदे बंदे टू कोई बंदा अच्छा भी निकल जाता है कोई बुरा निकलता है पर हमारा ये चीज होती है कि भाई निभाओ भाई मानो चाहे मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ इंडिया के किसी कोने से ले ले वो बंदा बोलता गुजर है वो भाई बन जाए आजा भाई कोई दिक्कत ना बैठ तो उठ भाई आजा चाहे उसको जानता ना हो ये बात मैंने हर जगह मैंने कश्मीर में भी गुजर है मैम जैसे कई बार जब बी एमडलू पे था उसमें मैंने पीछे गुजर लिखवा रखा था तो वहां मिले थे अरे गुजर हो आप अरे भैया आओ बैठो ऐसे ऐसे करके आओ बैठो हम भी बढ़ाना है अब मैं शौक में था मुझे नहीं पता था कह अच्छा कह बढ़ानो हाँ हम बढ़ाना है यार वो तो भाई आप कहीं भी चले जाओ ये एकदम मिलेगी ही मिलेगी अगर कल को मान लो कुछ भी प्रॉब्लम होती सारे साथ खड़े हो जाते तो यही तो चीज है भाई इसके गाड़ी के पीछे लिखवाने का क्या मकसद है मतलब क्यों दिखाना है ये कि आप गाड़ी में पीछे लिखवाना है अगले वाला पहले थी ब्रेक मार लिया वरने लग रहा ब्रेक न मारा तो मारा भाई <laughs> नहीं सब लिखवाते हैं मेरे को पूछना था, हाँ, अगला था। लिखवाते हैं भाई आ रहा है, या रहा है। एक क्वेश्चन है नहीं देखी। हाँ। जितनी लाइफ मैंने जी और जितनी लाइफ में जी रहा हूँ उसमें मैंने जितने भी गुजर दोस्त मेरे बने हैं उसमें और उनके रिलेशन में जैसे मेरे को पता चलता था बट मैंने आज तक लव मैरिज नहीं देखी तूने की इसमें क्या क्या डिफिकल्टीज आई यार मैं तुझे कि बहुत आई थी ऐसा कुछ नहीं हुआ भाई तू तो मेरे को फैमिली को है एक दो बार होती है कि ना कैसे वैसे ठीक है मगर चाहता मुझे चुन लो एक दो बार हुआ कि मैं मर जाऊंगी मगर जिसका टाइम आगे हो जाएगा बट नहीं क्या अरे सब होता है यार देख करने वाला सब करवा देता है अगर तुझे कुछ करवाना है तो तू सब करवा देगा

हाँ। वो अलग अलग ऑप्शन ला रहे थे हाँ। हम राजा तरह मना कर रहे थे हमको नहीं करनी है उनको पता था कि मतलब बेसिकली इतना मना कर दिया इतना मना कर दिया लिया। वो लिया वो। चीज समझा रहा हूँ कि जिसको रखना है जिसके साथ बिताना है अगर वो बिताना चाहता खूब बिता लो जिसको नहीं बिताना वो अब जो घर वाले लेके आते है सपोज कर चल एक तो तू एक तेरे घर वाले लेके आते हैं जरूर थोड़ा वो सही निकले जरूरी थोड़ा जो मैं लेके वो सही निकली बट गाँव में जैसे पता चला उसमें किस तरीके से रिएक्शन हुए यार, यार मैं गांव में ना रिएक्शन लेने लगा ना फिर तो मेरी जिंदगी चल रही भाई अच्छी रिएक्शन थे यार कि ठीक है ब्याह कर कर ले अपना अपना बढ़िया यार यही चीज चले पर ब्याह तो किया ही ना यार को यार किया। लगता है कि पार्टी किसी चीज की ना पता लगने दिया किसी चीज का ना का ना बच्चे का तो ऐसा क्यों यार जरूरी थोड़ा हर चीज मेरे लिए कंटेंट होगा अरे कॉन्टेंट कॉन्टेंट ब्यापे मैं क्यों बताऊं तुम्हें हाँ ऐसे बुराई तो मैं देखो एक चीज बताता हूं मैं बुराई तो बाद में करनी थी यार पता है खाना इतना अच्छा नहीं था यार अच्छा सेटअप नहीं था तुम अब तो भी तुम बैठ के सामने बुराई तो नहीं कर सकते होता है ना क्यों पैसे भी खर्च करो सब कुछ खर्च करो और बाद में बुराई सुन के जाओ यार मजा नहीं उसने मेरे को इज्जत भी नहीं दी पर फूफा छोड़ो बट स्टिल बताया क्यों नहीं बताया सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी वही चीज पूछनी है ना मुझे बताता हूँ क्या होता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी उस टाइम मेरे ऊपर बहुत सारे केस थे कंट्रोवर्सी चल रही थी मेरे साथ बहुत बड़ी एंड उस कंट्रोवर्सी में ना उसका भी नाम आने लग गया था अच्छा कहीं ना कहीं उसमें भी एफ आई आर का जोन लगी लग थी ओके कहीं ना कहीं उसकी कंपनी में भी जाके भाई मेल कर दिए थे कि ऐसे ऐसे इसके ऊपर ये केस लग रहे तो मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से किसी और का करियर खराब हो तो फिर कहीं भी जाते हैं तो भाई वो वाली बात जब कि इससे तेरा रिलेशन क्या है ये चीज़ आ रही थी मग हम कर देते हैं ना रिलेशन क्या है हमने इस शादी कर ली मग हमारा रिलेशन नहीं अब शादी कर लिया अब वाइफ बोलो वाली हाँ। चीज आ गई थी फिर वो था कि यार एकदम फ्लो में था तो कहने लगे कि कर लो मगर चलो कर लो वो पता नहीं चला चट मंगनी पट ब्याह वाली चीज हो गई हाँ मतलब सही चल रहा है सब चीज बढ़िया नहीं खड़ा भाई <laughs> क्या <laughs> चल नहीं रहा <laughs> <laughs> तो भाई बिग बॉस के बारे में बात करते हैं बिग बॉस नहीं ना बुलाया नहीं ना अच्छा, बिग बॉस, देख, बॉस देखा जो आ? मुझे लगता है क्योंकि मैं भी नहीं देखता था और मुझे दस मैंने मैंने हाँ। देखा था जब मैंने पूछ रहा था अच्छा तो मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि इस बार बिग बॉस फॉलो कर रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं देख रहा नहीं देख रहा ऑनेस्ट बोलो नहीं देख रहा मैंने मैंने एक एपिसोड मैंने प्रीमियम तक नहीं देखा उसका प्रीमियम और होता है प्रीमियर वो नहीं देखा मैंने सपोर्ट कर रहा है किसी को नहीं क्योंकि रियल पे आ जाती है भाई देखो सारी मैं सपोर्ट वाली बात बताता हूं तो ऑफ कोर्स देख मैं तहलका से नहीं मिला हूं और किसी से मैं जानता नहीं हूं मैं यूके से मिला था UK से मेरी बात भी हुई अच्छा। तो थी जो मेरे से बनता, मैं करूंगा। मैंने, आ, स्टोरी भी डाली मैंने भाई जब बिग बॉस में मैं डाली जानता है अगर नहीं जानता तो मेरे मैं तो छोड़ देता बट हाँ एक भी नहीं देखे एक भी नहीं देखे रील शॉर्ट्स आते हैं उसके अलावा कुछ नहीं बट यहाँ पे ऐसा नहीं लगा कि यहाँ पे हम बायर्स हो रहे मतलब मेरे को ऐसा लगा कि वो भी यूट्यूब से ही है तो यूट्यूब कम्युनिटी को ही हम आगे ले जाना चाहे अगर भाई होले जाना चाहिए मेरे को वो चीज हाँ। जरूर कह रहा है वो फील हुई थी बिकॉज हाँ। देख उसने भी सपोर्ट बहुत किया था बट अब लोग नहीं सपोर्ट कर रहे हैं ठीक है जैसा सपोर्ट एलविश को मिला था मैं ऑनेस्ट बोल रहा हूँ कि एलविश को मिला था अभिषेक को मिला था वो नहीं मिल रहा है उस बंदे अब इसके पीछे का रीजन होता है कि चाहे तो एक इंसान होता है कि जैसे सब या तो उसकी किसी से बातचीत नहीं हो या कुछ बात ऐसी होगी जो वो नहीं बता के गया हो बाहर यार आज मैं सबके साथ बैठ रहा हूँ तो मुझे तुम सब सपोर्ट करोगे ना और मैं जब बैठ ही नहीं रहा हूँ तो मुझे कैसे सपोर्ट कर लोगे क्योंकि मैं नहीं देखता बट स्टिल अगर मेरे पास सामने कुछ आ रहा है कोई बॉस मीटर या कुछ भी मैं कर लेता हूं अपनी तरफ से जैसे भी होगा हाँ मैं खुद तर... भी कर देता हूँ वोट वगैरह तो मैं ये वाली चीज़ नहीं सोच रहा कि मैं उसको नहीं जानता या मैं उसको मैं यूके से नहीं मिला आज तक तो मैंने उसको भी किया तहल का आया मैंने इसको भी किया तो यही वाली चीज पूछ रहा हूँ कि अगर

करना चाहिए देखो जिसका मन करे वो कर सकता तू किसी से जबरदस्ती नहीं करा सकता हाँ, मेरा दिल किया मैंने स्टोरी डाल दी हुँ. तेरा दिल किया तूने डाल दी जिसका मन कर, रहा वो कर देगा उस टाइम पता क्या था कि एक ना दस आदमी एक चीज को बोल रहे हैं हुँ. और अब एक बोल रहा है हुँ. इसमें फर्क होता है भाई। बिल्कुल होता है फर्क फर्क होता है ना दस लोगों में पता है अगर तूने नेटिव किसी एक बंदा खड़े नेगेटिव बोल रहा है ना वो दस आदमी उसके ऊपर चढ़ेंगे वो चीज थी अब वो चीज नहीं है भाई मैं उसी 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 ब्याह पे मैंने तेरे से क्वेश्चन पुट अप किया है क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है अब सारे बायर्स हो गए क्या मतलब उस टाइम सबको व्यूज और सबको वो चीज़ आ रही थी क्या कहते हैं फेम मिल रहा था किसी भी एंगल में बिल्कुल मैंने फॉलो नहीं किया है बट मेरे को जैसे रील वगैरह दिख जाती है तो मैं कर देता हूँ अपनी तरफ से अगर मेरे को आ, वोट करने होते तो मैं कर देता हूँ तो अब मेरे को वो ओ टी में जो फेज था ना बिग बॉस का जो मैंने देखा यूट्यूब पे यूट्यूबर तो वो है ना फेज अब वो कम होता चला गया तीन चार दो तीन यूट्यूबर आए ना मैं तो एक ही जानता हूँ हाँ, मतलब मैं वही बता रहा हूँ कि एक को हम फॉलो कर रहे हैं एक को हम सपोर्ट कर रहे हैं तो दूसरों को भी मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है करना चाहिए था अभी एंड नहीं आया एंड पे आने के बाद तो भाई पहली, पहली बात तो देखो मैंने सच बता जितने के मुंह से सुना है वो सब बोल रहे इतना इंटरेस्टिंग नहीं आ रहा है ठीक है एंड यूके की जितनी रील्स मेम्स बन रहे हैं

नहीं होता तो मैं देखो जो हमारे जो गुजरन में या फिर दिल्ली एन में जो चल रहा है रेंट खा रहे होते बैठ के <laughs> सच्चाई बात है देखो ठीक <laughs> है ऐसा दिमाग में ऐसा कुछ काम था नहीं जो किया था वो भाई लॉकडाउन में डूब गया था ठीक है हाँ यूट्यूब पे नहीं होता तो फिर मैं तो रेंट खा रहा होता रहा बैठ के <laughs> और ये टेंशन नहीं होती आज मेरे को पॉडकास्ट देने की और यूट्यूब से पहले क्या कर रहा था यूट्यूब से पहले भाई मार पिटाई लड़ाई झगड़ाई ये सारी चीज़ें <laughs> मार पिटाई क्या किस टाइप की कुछ यार पहले पहले मैं बहुत लगता मतलब मैं, मैं सच बताऊ में सत्रह अठारह उन्नीस 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 से पहले मैं बहुत अलग था मैं बहुत गर्म माइंड का था मैंने वो कांड कर रखे मैंने वो आदमी मतलब हर चीज कर रखी मतलब तड़ा के सब मठारा के सब कुछ कर मतलब जो मेरे मन पर आ रखा है ना जो एक यंग करता है मेरे वो कर रखे ठीक है फिर 20 में आने के बाद ना लॉकडाउन ने मुझे बचा लिया <laughs> क्योंकि लॉकडाउन में भाई बाहर निकलना बंद हो गया था तो वो सारी चीजें भी खत्म हो गई और लॉकडाउन में कुछ देखो झगड़े के केस मेरे पे इतने चल रहे इतने झगड़े के केस चले थे मेरे पे पहले, बहुत तो चलते रहते थे भाई तारीख पे भुगत रहते थे तुझे पता है एक बार क्या हुआ था कौन सा मैं एक तुझे आज एक कहानी बताता हूँ बहुत लंबी कहानी मतलब बहुत वैसी थी अठारह में राजस्थानी का फोना है कहाँ मैं मैं कही हूँ मेरे को मिला मैं जयपुर जा रही हूँ

आज भी वो है कि भाई अगर साथ मांगूंगा या कुछ भी बोलूंगा तो वो खड़े पाते हैं। जब हमने किया तो वो बस में लाइन चेंज होगी क्या हुआ था कि तारीख पे गए थे तो बैठा लिया बस मैं है? मैं का भी नहीं मिल, मिल मैं में फोन आया सकता आ जाओ तो फिर मिलूंगा मगर नहीं, 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 नहीं मेरे मिलना है लोकेशन मैं लोकेशन भेजी फोन कर साइड बैठा कहा है मतलब क्या हुआ था दूसरी जगह लेके बस में <laughs> शॉक्ड कि नहीं लग रही है बात कर रहा हूँ कहा जा रहा है तो ये सारी चीजें थी तो भाई पहले बहुत अलग था मैं बट धीरे धीरे करके ना वो फिर सारी चीजें ना समझ में आती गई दिमाग लगता गया फिर हटता चला उन चीजों से और बहुत से लोग जैसे बदमाशी आज भी दिखा भाई मोहम्मद दिखाया करो हमने बदमासी करी है ऐसा नहीं लगा कि यार जेल वगैरह में चला गया तो क्या होगा नहीं हमारे तो भाई ये बोलते हैं देखो सच्चाई बात है ये बात भी आज बता देता हूँ गुजरन में साठ साल तक तो पुष्कर महाराज बाट कर देखेगा गुजर की अच्छा। पुष्कर तो गया तुम साठ साल तक तो पुष्कर महाराज बाट देखे जेल और घोड़ा घोड़ी ये तीन है साठ साल तक बाट देखे गुजर बैठेगा अभी बात सच है कि साठ साल तक पुष्कर महाराज बांट देखे साठ साल तक जेल बांट देखेंगे घोड़ी बांट देखेगी घोड़ी पे बैठेंगे तो प्राउड फील होगा भाई जेल में तो प्राउड फील होगा ये है जाना पड़ता है हमें तो भाई हमारी खुशी होती है मतलब ये होता है कि हाँ भाई ये खुशी है हमारे लिए तो खुशी होती है चलो भाई जेल हुआ बढ़िया ओकेजन बन रहा है तेरी कसम ये बात सच है भाई भाई उस दोस्ती को देखा जाए तो अदर कास्ट कि जो बोलते हैं कि भाई गुजर गुजर का ही दोस्त होता है गुजर ना, जाट ना, का ना, नहीं ना, होता गुजर। ना, ना, ना। ऐसा बोलते हैं मतलब मैंने सुना है तो ये कितने हद तक सच है नहीं है भाई नहीं है। मेरे सारे हो तुम हम तो हैं भाई मैं मैंने ना कभी कास्ट में नॉट not... का, कास्ट में यार नहीं।, नहीं है ऐसा कुछ नहीं है भाई हमारे तो कभी भी ठा के देख ली ये सिर्फ बोलने वाली बात होती है कि यार कि भाई वो उसका दोस्त हो सकता है वो उसका दोस्त हो सकता है ऐसा कुछ भी नहीं है भाई आप कभी बैठ के देखना साथ उठ के देखना बहुत से लोग बैठे भी होंगे भाई देखो दूर से सारी चीजें अच्छी नहीं होती ना सच होती है जब इंसान सामने बैठता है तो बहुत फर्क दिखता है तो भाई ऐसा कुछ नहीं है कि सारे सब दोस्त होते हैं और भाई मैं बता रहा हूँ जहां दोस्ती निभाई वहां दोस्ती निभाई है भाई और लास्ट तक निभाई है और कुछ दो बाद हो जाता हम क्या कर सकते हैं दोस्ती पे आते हैं हम <laughs> आ जाओ दोस्ती पे <laughs> भाई पहले तो ये मेरे को बता ये मेरे को जानना है कि एच आर गैंग में कौन कौन बनना है <laughs> यार छब्बीस की बात कर तो कहा कहां से स्टार्ट हुआ और कैसे स्टार्ट हुआ मैं और इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बताता बताऊँ पहली बात तो स्टार्ट कहां से हुआ भाई सबका टाइटल वहीं से स्टार्ट होता था एच आर छब्बीस हाँ वहां से हमारा ये एच आर छब्बीस गैंग का नाम का नाम नाम था।, हुआ था उससे आ, पहले तो कोई नहीं एक साथ बैठता था भाई बैठते थे, थे तो फिर बस वो वाली बात अलग ही तरीके से बैठते थे बट बहुत सारे बंदों का क्वेश्चन है जो आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं सोच रहा हूँ कि रिवील कर दिया जाए जो भी चीज है क्लियर कर दी जाए भाई ये क्या कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है क्या एच आर जो गैंग थी वो टूट चुकी है ऐसा कुछ है भाई देखो मैं आपको एक चीज बोलूंगा टूटी ना है तो कहीं ना कहीं खटास आ गई है अच्छा। समझ के बात को? Reason, नहीं बता सकता। कुछ है जो बंदे हैं जो कहते हैं ना कि शरारती तत्व होते हैं अच्छा। जिन्होंने दिमाग लगा के हर चीज खेली मैं नाम भी ले दूंगा मेरे को पाड़ा कोई बट उन्होंने जो दिमाग लगा के सारी चीजें खेली थी ना वो हुई थी बिग बॉस के टाइम पे उससे पहले कोई प्रॉब्लम नहीं थी किसी टाइम में भी प्रॉब्लम अभी भी नहीं है देखो पहले थोड़ा ज्यादा टच में थे अब वो चीज़ खत्म हो गई है ठीक है बिकॉज बिग बॉस के टाइम में बहुत सारी चीजें हुई थी तेरे सामने भी हुई थी तुझे भी पता है वो चीज़ें यार मैं में नहीं होता था मोस्टली मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मैं नहीं होता था मैं आता ही बहुत कम था मुझे चीजें पीछे से पता चली उसके बाद क्योंकि वो इम्पैक्ट सब पे पड़ रहा था तो मेरे पे भी पड़ा सब पे और उस पर उसकी मतलब मेरे को पर्सनली मैं तुझे बहुत अच्छे से पता है और जो बंदे हैं उन सबको पता है भाई मैं अपने घर से मैं मोस्टली ही जाता हूँ आजकल काम है पिछले आई थिंक छः सात आठ महीने से तो मैं आ ही नहीं रहा एक भाई भाई। पे हाँ मैं मैं थोड़ा सा गायब रहने लगा लगाऊ घर पे यार मतलब थोड़ा सा पर्सनल टाइम हाँ तो कंटिन्यू पर्सनल टाइम में भी पापा नहीं बढ़ रहे पब्लिक टाइम में uh, आ, चलो ठीक है <laughs> हाँ तो आ, ये था कि भाई बिछड़ी नहीं है देखो एक तो हो जाता है मैं आपको बताऊँ कि सब बिजी है पहली बात तो पहले ये था कि सब साथ बैठते थे अब थोड़े बीजेपी सबका अपना काम आ गया बट वो काम आया कैसे एकदम से ऐसे कैसे आ गया कि भाई सभी अलग हो गए कोई बात नहीं करते तुम मुझे बहुत गाल देते हो मुझे पता तुम्हारी वजह से ये हो गया तुम्हारी वजह से वो हो गया तुमने ये कर दिया भाई मैंने कुछ नहीं किया अगर जिस दिन मैं अपनी पूरी बात खोलने पर आ गया ना उस दिन तुम कहोगे कि ये गलत हुआ था और बहुत गलत हुआ था ठीक है ना हमने कभी किसी को धोखा दिया ना भाई दिलते बैठे दिलते उठे हैं ठीक है बट कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर दी थी भाई कि नहीं झेल पाता मैं

धीरे धीरे करके वो बंदा क्या हुआ कि जब से लगता है कि आपने किसी को पकड़ा कि तू गलत कर रहा है और उसमें दस बंदे भी बोल रहे हैं वो बंदा अलग भगने लग गया कि यार ये तो तेरे को पकड़ रहे हैं और ये तो कल को तेरे को दिक्कत कर सकते हैं जब लक्ष्यार्चित से मेरी बात हुई थी कुछ बात को लेकर लक्ष्यार्चित ने भी बोला कि भाई ये तो गलत चल रहा है बट भाई साहब जो बातें ऐसी हुई है ना मैं बता नहीं सकता कल को यार बोल देंगे जो भाई तू तो ऐसे बोल रहा है एक बंदे ने ना पूरी गेम चेंज कर दी थी अंदर की कि मैंने शाप पाड़ा था मैं सच्चाई बात बताऊँ साफ वाली चीज थी ना कि भाई शॉप उस शॉप है एक मछली पूरी पानी को गंदी कर देती ना वो चीज थी, थी यार पर ऐसा लोग बोलेंगे या बोलते हैं कि भाई भाई अज्जू भाई एक हाथ से ताली नहीं बजती और ये वो आपकी भाई एक हाथ से ताली नहीं बजती मैं बता दो दूसरा हाथ मेरा था हो तो मैं सामने खड़ो के मेरे सामने बैठा के कोई बात कर लो किसी से नहीं करवा लो अगर मेरे मेरा हाथ पा जाए तो तुम्हारा क्या था तुम्हारा मेरा मेरा सर तुम्हारी जूती करो करो मैंने अगर कहीं गलत बोला तो नहीं मैं जस्ट बता रहा हूँ कि इन शहर हाँ, ऐसे आएंगे मैंने सब कुछ किया मैंने जितना मेरे से सपोर्ट बना मैंने उससे ज़्यादा किया मैंने बकायदा आज तक किसी के लिए हाथ जोड़ के वोट नहीं मांगी मैंने उस दिन हाथ जोड़ के वोट मांगी अपील भी किया मैं भाई हजार किलोमीटर तो, सॉरी एक हजार किलोमीटर दूर था वहां से नॉन स्टॉप गाड़ी चला के मैं मीटअप में, में आया ठीक है मैंने अपनी ओर से कमी नहीं छोड़ी मेरे पास जहां मेरे को बोला गया ये करना वहां मैं उससे डबल किया मैंने और मैं करा था और वो लोगों को दिखा भी है और रही बात भाई उसके बाद मुंबई गए मुंबई में कुछ ऐसी बातें हुई जो भाई मेरे को ना कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं आई समझ में जिसको देख के ये लग गया था कि काका -का ये क्या कर रहा है ये बंदा यार भी भी किसी भी यार देखे देखे एक बात बता छोटी चीज है मैं तुझे बोलू यार हनी हम दस लोग बोल रहे हैं है ये है एक ही ग्रुप के ना हम दस लोग एक चीज बोल रहे हैं और बोल रहे भाई ये चीज गलत थी और ये चीज तेरे पीछे से हुई है या तेरे अभी हुई है जस्ट अभी हुई है एक घंटा पहले तो तू क्या बोलेगा क्या रिएक्शन देगा यार क्या तेरा रिएक्शन आएगा मतलब मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि मैं उस टाइम क्या कर रहा हूँ क्या सोच रहा हूँ तो पता तो तो ना ऑब्वियसली पहले बोलूंगा गलत गलत बोल रहा है तो गलत को गलत बोलना सीख जाओ भाई मैं ये चीज बोलूंगा कि गलत को गलत नहीं बोला गया भाई ठीक है जब मुझे लगा है जो बंदा बोलता है उसको स्टैंड लेना चाहिए था स्टैंड नहीं लिया उसने मुझे वो चीज बहुत बुरी लगी सच में बात पर ठीक है वो चलो उसकी मर्जी थी उसने नहीं लिया नहीं लिया भाई ठीक है भाई वो अपना फिर वो भी अपना बिजी हो गया फिर हम भी बिजी हो गए बट कुछ लोग ऐसे भी थे कि जिन्होंने साथ खड़े होके साथ बात बोल के और फिर बाद में पार्टी चेंज करके अच्छा हाँ <laughs> मतलब मैं सच्चाई बात बताऊँ मैं मैं कभी मुँह पे ना दोगला ना बना जाऊ मुझे जब सब कुछ हो जाता है ना तब बाद में पता चलता है कि ये भी हो रहा है अच्छा ठीक है और उसके बाद अभी तूने तेरे व्लॉग में देखा था जिसमें तो तो से सबको मैसेज वैसेज भी कर देता है, जो, जो, से तेरी नहीं बिगड़ी है जो भी तो मेरी बिगड़ी किसी से नहीं नहीं मेरे को किसी से बुरा लग रहा है ना किसी से मेरी कोई बातचीत बुरी है बस मुझे जो जिस टाइम जो चीज बुरी लगी थोड़ी सी जो चीज देखिए जो चीज बुरी लगी मेरे को बता दी बहुत से लोगों ने बोला आपने भाई विश नहीं किया बहुत से लोगों ने बोला जो भाई आपने कॉन्ग्रेचुलेस नहीं बोला भाई मैंने सब कुछ बोला ठीक है अब तुम्हारे भी एक चीज बताता हूं कि भाई जब बंदा सपोर्ट करता है तो भाई व्यूज के लिए सपोर्ट कर रहा है बंदा ना करे तो तू सपोर्ट नहीं करो तू जलता है तो तुम्हारी चीज भी समझ में नहीं आती ठीक है और सारी चीजें कैमरे के लिए नहीं होती और कुछ चीजें कैमरे के पीछे भी होती है और बहुत सारी बातें मैंने पहले भी बोली थी अपने ब्लॉग में कि भाई सारी चीजें कैमरे पर नहीं दिखाई जाती है तो जो चीजें कैमरे पर नहीं दिखते उस पर ध्यान मत दिया करो जो दिखे उस पर ध्यान दिया करो जो दिख रहा है उस पर ध्यान दिया करो जो करो। is... तुम पीछे देख रहे हो, मैं वो देखो ना। <laughs> भाई कुछ आगे पढ़ने का सोचा है मतलब मैं ये क्वेश्चन पूछ क्यों रहा हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा पर मैं ये सोच हा, रहा हूँ अब मैं पढ़ने जाऊंगा ना मैं <laughs> अब मैं स्कूल जाऊंगा कि कुछ आगे पढ़ने का सोचा है अगर हाँ तो क्या और अगर नहीं

नहीं का यार मेरा हिंदुस्तान और... मेरे को बहुत सुंदर लगता है और हिंदुस्तान में यार यार कहता है कि ये बहुत है कि बहुत भारत हमारा महान है यार। और इतनी सारी अच्छी अच्छी जगह है क्यों नहीं बन रहा बहुत कांड करे बहुत कांड थे वो 2017-15 14 से कांड थे तो चलते रहते हैं कभी कभी मिलो भी मधुमासी एक टाइम <laughs> अच्छा यार बहुत घूमता है तो मतलब हर दूसरे तीसरे हफ्ते तो ट्रिप मारने चला जाता है हाँ। मतलब जो ये है ना कि एक जगह तो मेरे को कितनी बार भी ले जाओ कौन सी ऐसी कौन सी ऐसी जगह है जहाँ मैं तुझे लेके गया था भाई कहाँ कहाँ लद्दाख लद्दाख यार लद्दाख मेरे को सबसे सब ज्यादा पसंद है अच्छा अब उसके पीछे रीजन बताऊँ हाँ। ऐसी है हाँ। रीज़न ये है कि वहां पे आपको कोई बंदे नहीं मिलेंगे डिस्टर्ब करने वाला नहीं है नेटवर्क नहीं है एक अपने साथ टाइम बिताने का वक्त मिलता है नेटवर्क नहीं है तो भसड़ ही था मुझे लाइफ की मुझे लद्दाख खान ले कितनी बार ले जा कितनी ही बार मुझे हर दूसरे दिन बोलते चल नहीं चल रहे। मैं चल मैं ये बता तू कर्मा में बिलीव करता है क्या होता है जो हिट करता है <laughs> हाँ बता क्या होता है ऐसे मतलब तू बता ना मेरे को कि किस तरीके तरह हिट करता है सारी चीजें पता नहीं भाई नहीं किया किसी को बुरा नहीं चाहता ना न मैं बोलता उसको कर्मा हिट करेगा चलो फटाफट बातचीत चैलेंज करते हैं अपना रैपिड फायर ठीक है इसमें सोचने, ही नहीं हो सोचने का नहीं यार है। तो भाई एक <laughs> तो बात बता अगर रात को तीन बजे तेरे को किसी को कॉल करना होगा जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसके ब्याह पे किस किस बंदे को किस लिए कॉल करेगा ये बताइए अभी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ठीक है <laughs> <laughs> रात को तीन बजे तेरी लड़ाई हो गई तू किससे कॉल करेगा चमन पार्टी करने का मूड है किसको कॉल करेगा प्रकाश करण रिलेशनशिप एडवाइस किससे लेगा मुझे चाहिए ही नहीं ना मेरा वैसे ही खराब है <laughs> <laughs> एडवाइस की क्यों जरूरत है यार रिलेशनशिप एडवाइस के लिए है ना खुद हम अच्छा फिर भी एक ना? नहीं यार मैं कैसे मांगता है? मैं अपनी चीजें शेयर नहीं करता तो मुझे किसी से एडवाइस ही होती ओके रात को अनप्लान ट्रिप बन गया किसके साथ जाएगा फिर वो किसी के साथ जा नहीं सकता ना उस फिर वो ट्रिप ही नहीं बन सकती होगा तो मुझे पता विकास का फोन करो चलो उठले उठले वही है मेरा तो में अभी तो हम्म बस हमें ही बोल लिया करो तू अनप्लान तो तुम चलेगा नहीं तू मुझे गाली देता है को अब ये एटो टाइम क्यों बताता है हुआ ना मोस्टली ये चीज हुआ है ना अनप्लान ट्रिप होती है

चीज बता, बता, बता। की मुझे खाने की <laughs> <laughs> नहीं, मेरे कैसे किसी की मेरे को बस नहीं है। में बता दे खाना मैं कभी खाया ऐसा, मेरे, कुछ ऐसा नहीं। मेरे को यही चीज़ खानी है मेरे को... मेरे को जो मिल जाए टाइम में खा लेता हूं चल रैंक कर एक से पांच तक अपने अकॉर्डिंग कौन फर्स्ट पे है और कौन लास्ट पे है किस चीज में बता एक्सयूवी 700 स्विफ्ट और किया टॉस सारा लास्ट में चले तो फर्स्ट से लेकर लास्ट तक बताओ अच्छा पहले दो तीन चार खास हाँ, हाँ। यार देख चंद तो बहुत भारी क्वेश्चन पूछ लिया यार ये तो इसमें तो मेरे को लड़की का पूछ रहा था मैं सबका नाम बता देता है अभी तो मेरे लिए डिफेंडर फर्स्ट है सेकेंड पे फॉर्चूनर है थर्ड पे एक्सुवी है उसके बाद स्विफ्ट है फिर तो किया तो वैसे तुमने ले ली पर है नहीं किया मेरे पास तो किया भी नहीं है मैंने तो क्वेश्चन ही पूछा है ना हाँ क्योंकि किया तो मतलब जिस किया बेकार है केयर इज नॉट कार किया इज प्यार <laughs> इसको कवर कर लेते हैं ना वरना <laughs> पता लगा जूता चप्पल लग सकते हैं मेरे को बट एक्चुअली किया इज बेकार दो कार क्योंकि एक्सीडेंट होते दो दो कार एक पैसा दोगे दो मिलेगी क्योंकि आधा अलग हो जाएगा आधा अलग हो जाएगा कंटेंट के बेसिस पे यूट्यूबर को रैंक करना है भुवन बाम आशीष चिंजरानी सागर शर्मा राउंड ट्वेल्व और हर्ष बेनीवाल क्या करना है इनका कंटेंट वाइज रैंक करना है फर्स्ट कौन पे है पे कौन है देख मैं फर्स्ट पे कौन है hmm. फिर से एक बार बता देता हूं मैं को बता hmm. दिक गया मैं बता दूंगा देखो पहले पे राउंड 12 okay. जो मैं देखता हूं हम hmm. सेकंड पे मैं देखता हूं हर्ष मेनीवाल हम hmm. ठीक है थर्ड पे बूमिन बम चौथे पे आशीष चंदलानी स्वैगा शर्मा के वीडियोस मैं देखता हूं ऑफ कोर्स बट वो निकालता है बहुत टाइम में हम निकालता फाड़ निकालता अच्छे निकालता कंटेंट के बेसिस पे उतारने इसलिए कंटेंट के के से तो भाई देखो पहले पे स्वैगर स्वैगर चाहिए बट अब जो दे दिया मैंने <laughs> <देखा> मैं <श्वागर। laughs> अपने के दिलंग है घर भी रहे हैं अच्छा फॉलोइंग्लॉगर <सेम>, ओके <laughs> <laughs> okay. विकास दयाल मुंबई का निखिल फ्लाइंग बीस्ट एलविश और करण सैगल ओके okay, क्या इनको फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक रैंकिंग कंटेंट के हिसाब से बात करें किसी भी किसी भी आप मतलब बस यहाँ पे फिर तो मैं तो देखो वो वाली चीज़ है ना फिर तो मैं भाई वाली चीज़ करूँगा सबसे आगे जैसे भी हो जो भी हो। विकास करण अलविश मुंबई करने के फ्लाइंग लिस्ट ओके रैंक द फॉलोइंग सिंगर मैं सुनता ही नहीं यार फिर भी चलो ठीक <laughs> है जस्सी गिल परमेश वर्मा सिद्धू मूसेवाला मिलन गाबा और करण ओजला देखो सबसे पहली बात बाबू जी की तो बात ही नहीं कर सकते पहले नंबर बाबू जी आएगा हमेशा रहेगा सेकेंड पे मैं सुनता हूँ सुनता हूँ मतलब जब मुझे कोई प्यार गाने सुन प्यार भरे वाले गाने सुनने करण और तो तो तीसरे पे लगा लो और कौन था एक और था नाम परमेश्वर मिला परमेश्वर चौथे पे मिले तो भाई पाँच पे रैंक द फॉलोइंग प्लेस अकॉर्डिंग तेरे कि कहाँ पे तेरा मन ज्यादा लगता है ले केदारनाथ जयपुर केरला गुजरात ले पहले नंबर पे ले लद्दाख सेकंड पे केदारनाथ क्योंकि मैं अभी रिसेंटली गया हूँ तीसरे पे राजस्थान चौथे पे कौन सा था जयपुर मीन्स मतलब राजस्थान में आ गए ना तुम तो, तो राजस्थान में जयपुर में जयपुर के अलावा बहुत सारी गए केरला गुजरात हाँ चौथे पे गुजरात क्योंकि भाई अपने बहुत सारे सब्सक्राइबर है जो भाई प्यार तुमसे हाँ और पांचवे पे केरला इज so इट हमारा रैप हो गया इसमें अब मेरे बारे में कुछ बोल दे, बढ़िया था आ... भाई इसकी एक टांग अच्छा हॉस्पिटल लेके गया आज अपने साथ बैठा के पॉडकास्ट कर okay. तो और अच्छा बोलते अब तेरे को कैसा लगा भाई ये वीडियो बना रहा नेट बटा लगा सीरियस हो जा और सीरियस जिंदगी में सीरियस होकर मरना जिंदा रहने के लिए हंसते रहो जितना हंसोगे खून बढ़ेगा दूसरे वाले जलते रहेंगे अगर तू तो सड बैठा रहेगा ना तुझे देख के हंसता रहेगा यू कैसे भाई बहुत अच्छा लड़का है तो मैं मैं मिला मिलाऊ इससे बहुत चीजें इसने मेरे को दिखाई सिखाई बताई फिर लास्ट में खुद ने नहीं कराई इसने दूसरों को मोटिवेट बहुत कर देगा ये इंसान अपने ऊपर नहीं अप्लाई करेगा ये दूसरों को सारी राय दे देगा जब खुद की बात आएगी तो फट जाएगी इसकी नहीं यार जो तू बोल सकता है तो वो कहते हैं ना दूसरों को राय देना बहुत आसान है बट जब खुद के ऊपर अप्लाई करते हैं है तु, कर है, तुझे तुझे है। इसकी, है, इसकी जो बातें रहती है हमेशा अच्छी रहती है मानता हूँ इसने पांच सौ रुपए एक्स्ट्रा दिए इस चीज के तारीफ करने के पर इससे ज्यादा मैं क्योंकि मुझे किसी की तारीफ नहीं आती है जाप जोतवा बट यार बहुत अमेजिंग पॉडकास्ट है भाई बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्यार कर लो और भाई हन्नी को दो चार लव यू बोल दो क्योंकि हन्नी भी बोलो ना कि पापा पापा बन जाए क्या जिंदगी में रखा भाई बाप बढ़ेगा जब तो आगे बढ़ेगा <laughs> परिवार यार मैं तो कह रहा हूँ एक हाथ तक आओ ना बड़ा पंद्रह दी पहले तो शुरुआत तो किसने कर दी अगले साल फिर देखते हैं उससे अगले साल फिर देखते हैं तीन अगर बैक बैक टू हो गए मेरे मेरे पे खड़ा खड़ा हजार मेरा ही खड़ा रही तो अपना ऊपर सोच लो पहले कुछ

हमारा पॉडकास्ट यहाँ तक देख के, करने और के लिए और भाई कुछ और देखना है तो वो भी बता दो हम भी दिखा देंगे अभी जल्दी बताओ नहीं कुछ और नहीं देखना अच्छा, पॉडकास्ट साथ कर रहे हो तो बताओ हाँ किसके साथ करें कमेंट में बता देना कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे पता, देना। मुझे पता किस है किसके साथ करवाना है